गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. काम आ रहा है. गरेवाल साहब. Mr. Shekhar Varghese, how are you? Fine. Welcome to Maharaja Resort. Where's my room? Room number 8. Okay. Will you please fill the formality? Yeah, sure. Thank you. Yes, sir. और आपका सफर कैसा रहा मैम? अच्छा रहा, बस थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही हूं. आप फिक्र मत कीजिए, यहां पर आ गए हैं, यू विल बी वेरी रिलैक्स्ड. हां हां, नाइस प्लेस. फॉर्मेलिटीज कंप्लीट. वेयर इज माय रूम? रूम नंबर 8 सर. ऐसा कीजिए, ओके. आइए सर. ओके. राइट, इफ देयर इज एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू, प्लीज लेट मी नो. श्योर. राइट, थैंक यू. आइए सर. क्या नाम है तुम्हारा? सुशील राज. नया आया क्या? हाँ, 2 महीने हो गए. हाँ, कभी देखा नहीं मैंने. यहाँ हर तरह के कस्टमर्स आते हैं सर. ओके, मतलब सब इंतजाम का सामान है, सारी सुविधा है. ओके. हेलो. वेरी गुड, वेरी गुड. कौन है सर? ये मिस्टर कुकरेजा, मुंबई के फिल्म प्रोड्यूसर है. ओके ओके. मुझे कुछ सामान मंगाना है, रात में आना तुम. यस सर, आइए. ठीक है, आइए सर. ओके. आओ भटकती आत्मा, आओ मेरे पास. ठीक है सर. शिखर, 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 उस कमरे में. क्या उस कमरे में? उस कमरे में एक औरत. शिखर, क्या औरत, क्या करना है हमें? वो शिखर, वो उस औरत को मैंने भूत से बातें करते हुए देखा. What? क्या बकवास कर रही हो? भूत से कैसे कोई बातें कर सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से बातें करते हुए देखा. रिलैक्स. तुम जाके मैनेजर से कहो कि या तो वो उस औरत को निकाले, नहीं तो हम लोग कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं. तुम मानोगे नहीं? नहीं. ओके, मैं मैनेजर से बात करूंगा. कम इन. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. ये रहा आपका स्नैक्स. थैंक यू. सर, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए ला के दूंगा. मुझे ज़रूरत होगी, मैं आपको ज़रूर बुला लूँगा. श्योर सर. थैंक यू सर. गुड नाइट सर. गुड नाइट मैम. थैंक यू. मैंने तुमसे कहा था ना, ये वाली सिगरेट सबके सामने मत पिया करो. पता लग गया ना उसे? तुम्हें तो उसे अंदर आने के लिए कहा, अब तुम मुझे भी बरस रहे हो. मैं तुम पर बरस रहा हूँ? अरे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, प्रॉब्लम हो सकती है. बी केयरफुल फॉर नेक्स्ट टाइम. ओके, आई विल. और तुम भी केयरफुल रहना. हाँ ठीक है. वो कौन है? कौन है? जवाना हमें बहन जवा का इंतजार कर रहे हैं. अपने उन्हें कोर्ट के टाइम में नहीं बताया था. हमने उन्हें समन सर्व किए थे योर ऑनर, वो आने वाले ही होंगे. कौन है ये गवाह? मैम, वो देखने में कैसा था? मैं नहीं जाती, मैं बिल्कुल नहीं जाती, पर मैंने देखा. पर आपने देखा किसको है मैम? वो आदमी मेरे कमरे में था, वो सब सुन रहा था. देखिए मैम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है. आ, नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई. वो था, वो मेरे कमरे में था. मैम देखिए मैम, प्लीज आप देखिए ना. देखिए आप देखिए, मिस्टर कुकरेजा, मिस्टर देसाई, मिस्टर तिवारी, आप इनमें से किसी से भी पूछ कर देखिए, ये सब हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं मैम. देयर इज नो प्रॉब्लम विद द रिसॉर्ट. हाँ नहीं नहीं, कोई था. आपको गलती लगी है मैम? नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई. वो कोई इंसान था. ओके ओके, देखिए मैम, आपको प्लीज 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 जस्ट काम डाउन प्लीज. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गो बैक टू योर रूम्स, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. प्लीज प्लीज डोंट गेट पैनिकी. आप वापस आइए प्लीज. था कोई? आप आइए मैम, आप कमरे में आइए. देखा? एवरीथिंग विल बी ऑलराइट मैम, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल.
मैम प्लीज ठंडा लेकर आओ, मेरी बात सुनिए। हां भाई मैम प्लीज प्लीज। कुकरेजा का रूम किधर है? जी इस तरफ। जाधव तुम सब लोगों को इन्फॉर्म करो कि सब लोग अपने अपने कमरे में रहें, बाहर ना निकले। ठीक है सर, चलिए। मिस्टर ग्रेवाल आप प्लीज मुझे डिटेल में बताएंगे हुआ क्या था? शिंदे साहब वो क्या हुआ कि मिस्टर कुकरेजा जो हमारे रिसॉर्ट के बहुत ही पुराने रेगुलर कस्टमर हैं उन पर किसी ने अटैक किया और उन्होंने अपनी सेल्फ डिफेंस में काउंटर अटैक किया। प्लीज आप शांत हो जाइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, उन्होंने अपना सिक्योरिटी और भी टाइट कर दिया। बात मानिए आप लोग, कुछ नहीं होगा। इसकी क्या गारंटी है भाई जो रूम नंबर 10 में हुआ हमारे साथ नहीं होगा? आज हम लोग सब चौकन्ने हैं और हमारे आदमी हर जगह तैनात हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं होगी, आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए प्लीज। यार हम लोग यहाँ आराम करने आए हैं, अपना नींद और चैन हराम करने नहीं आए। हमारे यकीन मानिए आपको शिकायत का कोई मौका नहीं है। नहीं यार प्लीज, हम मैं इसको बाद में देखता हूँ, पहले सक्सेना से बात करो। ग्रेवाल टेल मी इन डिटेल व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। सर वो कल रात मिस्टर कुकरेजा पर हमला हुआ था, यही वजह है कि ये लोग इतने डरे हुए हैं। मिस्टर ग्रेवाल हमें पता करना होगा ये अटैकर कौन है। हाँ लेकिन पुलिस भी तो वही कर रही है। पुलिस को उसे अपने तरीके से ढूंढेगी। इट्स गोइंग टू टेक टाइम एंड वी कांट अफोर्ड दैट एंड यू मस्ट एक्ट फास्ट। तो फिर हमें क्या करना चाहिए सर? वेल आई थिंक वी शुड हायर अ डिटेक्टिव। मुझे भी यही लगता है। हाँ वो तो ठीक है लेकिन हम किसे हायर करेंगे? मैं जानता हूँ किसी को। There's no one better than him. कौन सर? मेजर जीत, the one and only मेजर जीत सिंह चौहान। मेजर जीत स्पीकिंग। सर मैं मुकेश गरेवाल बोल रहा हूँ, महाराजा रिसोर्ट का मैनेजर। कहिए गरेवाल साहब, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? सर आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए प्लीज। मिल जाएगी, प्रॉब्लम क्या है? सर आप यहीं आ जाइए ना, मैं आपको सभी कुछ डिटेल में बता दूंगा। ओके गरेवाल साहब आ जाता। थैंक यू सर। अब बाय द वे सर आपकी फीस वहीं पहुंच कर डिस्कस कर लेंगे। मेजर जीतन चौहान राइट? यस यंग मैन, व्हाट आई कैन डू फॉर यू? मिस्टर चौहान आई एम सो ग्लैड यू कुड कम। So, the situation is extremely tense out here. मैं पहले से पता था। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है यहाँ। हाँ, ये पता था हमें ना। आपको कैसे मालूम? क्योंकि जब जब प्रॉब्लम होती तब तक हमें याद किया जाता है ना। गोम्स। एक्चुअली ये है मेजर जीत सिंह चौहान। मिस्टर चौहान मैं ग्रेवाल हूँ, मैं इस रिजॉर्ट का मैनेजर हूँ। नाइस टू मीट यू मिस्टर ग्रेवाल। माय प्लेजर सर। लेकिन सर अगर आप मेजर हैं तो फिर ये मेरा असिस्टेंट है गोवर्धन मान सिंह। चलो नाइस टू मीट यू। सर मैं आपको क्या बताऊं सर, मैं बहुत परेशान हूं। दरअसल ये मेरी पहली पोस्टिंग है और पता नहीं क्या कुछ होने लगा है सर यहां पर। वी विल डू आवर बेस्ट। थैंक यू सर, डोंट वरी। बट बिफोर दैट कुड वी हैव सम कॉफी? यस ऑफ कोर्स। टोस्ट? डेफिनेटली। नोट दिस डाउन। विदाउट बटर? विदाउट बटर। सुनो मेरी कॉफी में चीनी डाला और बटर फुल सर, ठीक है? अजय साहब आधे से ज्यादा रिसॉर्ट खाली हो चुका है हमारा और जो लोग बाकी बचे हैं वो अपने कमरों में दुबक कर बैठे हुए हैं डर से। डर से? डर की कोई खास वजह? मैं आपको क्या बताऊं, आप सुनेंगे तो हंसेंगे। भूत के डर से। भूत के डर से? आप सिलसिलेवार पूरी कहानी सुनिए। देखिए मैं जैसा वैसा है, गर्मी का मौसम हमारे रिजॉर्ट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, पीक सीजन। हमारे रिजॉर्ट में 16 कमरे हैं, इस बार सीजन बहुत अच्छी तरह से शुरू हुआ। सभी कमरे ऑलरेडी बुक हो चुके थे, लोग चेक इन कर चुके थे, एवरीवन वाज रियली एंजॉयिंग द रिजॉर्ट। कहने का मतलब यह है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जब एक रात मिसेस नायर अपने कमरे से चिल्लाती हुई बाहर। ये मिसेस नायर कौन? एक बूढ़ी औरत, नहायत अमीर लेकिन सनकी।
उनके चिल्लाने की कोई खास वजह? उन्होंने बताया कि उनके कमरे में कोई था। उनके कमरे में कोई था? जी, देखिए, हमने पहले तो उनकी बात पर यकीन नहीं किया। हमें लगा कि सन की औरत है, कोई सपना अपना देखा होगा। लेकिन फिर उसके ठीक दो दिन के बाद मिस्टर आहूजा। कौन 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 कौन? मिस्टर आहूजा एक NRI है, लॉस एंजलिस में रहते हैं। हमने सोचा था कि यहाँ से जाएंगे LA में जाके हमारे रिजॉर्ट की तारीफ करेंगे, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? एक दिन सुबह सुबह मेरे पास आए, कहने लगे उन्हें ऐसा महसूस हुआ था जैसे उनके कमरे में कल रात कोई टहल रहा हो। उन्होंने लाइट जला कर नहीं देखी? अरे कहाँ, वो तो बस अपने बिस्तर में दुबक कर बैठे रहे। बस किसी के चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन अचानक आवाज बंद हो गई। फिर क्या होना था? साहब, दो दिन के अंदर आधा रिजॉर्ट खाली हो चुका था और जो लोग बचे थे वो डर के मारे अपने रूम्स में बैठे थे। बहुत मुश्किल से उन्हें कन्विंस किया कि सब कुछ ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन फिर कल रात। क्या हुआ कल रात? कल रात मिस्टर कुकरेजा के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। उन्हें ऐसा लगा था जैसे उनकी विंडो पर कोई है। हम भागे उनके कमरे में गए, वो पूरी तरह से डर से कांप रहे थे। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, पुलिस ने आके जांच पड़ताल की, लेकिन पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया। ओके, मिस्टर गरेवाल, मैं आपकी इस लोकेशन की ज्योग्राफी जानना चाहूंगा। श्योर। और सर बाकी की गेस्ट को भी मिलने? हम लोग उनसे बाद में मिलेंगे। लेट्स मूव नाउ। और यहां से आप पूरा रिजॉर्ट देख सकते हैं। ये प्राचमी का है, प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। थोड़ा खिसका हुआ सा आदमी है मेजर साहब, अजीब वगैरह थ्योरीज पाल रखी हैं दिमाग में। यहां पर आता है, घंटों आसमान को देखता रहता है, कहता है कि जुपिटर को स्टडी कर रहा है। मिसेस मिश्रा से बहुत पटती है इसकी। ये मिसेस मिश्रा कौन है? वो भी प्राचमी की तरह खिसकी हुई सी औरत है, अपने आप को मीडियम बोलती है। किस चीज का वीडियो? वही कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड सोल्स। अच्छा अच्छा अच्छा। आई पर्सनली डू नॉट क्वाइट एग्री विद ऑल दिस नॉनसेंस मेजर साहब, लेकिन क्या करें, हमारे कुछ गेस्ट हैं जो उनके क्लाइंट्स हैं जिनके लिए वो सेशंस कंडक्ट करती रहती हैं। एज अ पॉलिसी मैटर वी डू नॉट क्वाइट एग्री विद इट। क्या करें? कम ऑन साहब। कमरा खुल गया, कमरा है, कमरा लॉक है, मैं चाबी लेने जा रहा हूं। शिंदे, आपके बारे में बहुत पढ़ा सुना है सर, आपसे मिलके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर बिंद्रे। हेलो सर। डॉक्टर, क्या लगता है डॉक्टर सर, रिपोर्ट जल्दी दे दूंगा। आप मुझे होटल के दूसरे क्लाइंट से मिलवाइए। डॉक्टर, यू मे कैरी विद योर जॉब। हवलदार, तुम यही रुको। मैं तेरे को बोला ना, पुलिस के काम में ज्यादा लफड़ा। आई एम सब इंस्पेक्टर शिंदे। इस होटल में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में एक डेथ हो गई है, जो कि मर्डर भी हो सकता है। आप प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। आप थोड़ी देर में अपने अपने कमरे में वापस जा सकते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जस्ट रूटीन क्वेश्चंस। ज्यादा पूरी डिटेल क्रॉस चेक कर लो। ठीक है सर। व्हाट नेक्स्ट सर? इनके कमरों की तलाशी ले लीजिए। गोम्स, तुम यहाँ जादव जी की हेल्प करो। जी।
क्या मतलब है आपका? क्या हम लोग में से कोई इन्वॉल्व है? जानती थी मैं। मैंने देखा था खून के धब्बों को, पता था मुझे ये खून होगा, यही होगा, क्या होगा, पता था मुझे। हेलो देवी जी, अगर आपको सब कुछ पहले से पता था तो हमें बताया क्यों नहीं? इंतजार किस बात का कर रही थी आप? वैसे ये बड़ी अजीब सी बात है, हम में से हर कोई इस रिसोर्ट में इसलिए आता है कि इस रिसोर्ट की अपनी एक रेपुटेशन है। आपके इस तरह के जो केस होते हैं उसमें हम इन्वॉल्व होने के लिए थोड़ी आए यहां पर। काफी महंगे शौक पाल रखे हैं लोगों ने। ये बात क्या है, हमें कुछ डिटेल तो बताओ। आगे की सारी डिटेल्स आपको कांस्टेबल जाधव देंगे। गांजा बुला के पूछताछ करूं सर? नहीं शिंदे साहब, अभी हमारा एम कुछ और है, पर इन पर कड़ी नजर रखना। हम लोग जानते हैं कि आप लोगों को इस तरह लॉबी में बिठाए रखना, आप कहीं जाने ना देना, आपके लिए काफी तकलीफ दे रहा होगा। आप लोग हमारी मजबूरी समझ सकते हैं। समझ रहे हैं, इसलिए तो यहाँ बैठे हैं। प्लीज आप अपनी फॉर्मेलिटीज जल्दी कीजिए। आपकी तारीफ। मेरा नाम अनिरुद्ध तिवारी है, मैं उपन्यास लिखता हूँ और उसी काम से आया हूँ, और यहाँ का वातावरण मुझे अच्छा लगता है। एक सवाल और पूछना चाहूंगा। क्या आपकी नॉलेज में इससे पहले यहाँ कोई ऐसी वारदात हुई है? जी नहीं। आपकी तारीफ। मेरा नाम के देसाई है। आप यहाँ पर कितने वक्त से आ रहे हैं? मैं पिछले 10 साल से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे जगह अच्छी लगती है इसलिए बार बार आता हूँ। आपको पता कैसे लगा? मैं जब घूम रहा था तो कुछ गाड़ियाँ तेजी से गुजरी उधर से, कुछ भीड़, कुछ शोर शराबा, मैं वापस आया होटल में देखने। आपको किसी पर शक है? अब इतने लोग हैं, टूरिस्ट हैं, घूमने फिरने आए, मैं भी टूरिस्ट हूँ, मैं कैसे किसी पर शक कर सकता हूँ? और आप? मुझे तो 2 साल से इस होटल में आ रही हूँ, ऐसा पहला हादसा हुआ है। अब मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई कुछ कर सकता है। पहले कोई और वारदात ऐसे सुनी हो यहाँ पे? नहीं कभी नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम। मेरी वाइफ गीता बहुत डर गई है इस इंसिडेंट के बाद से। और आप कहाँ थे उस वक्त? अपने कमरे के अंदर। आपको किसी पर शक है? शक नहीं, मैं जान सकती हूँ, लेकिन वो जब वो चाहेगा तब, उससे पहले नहीं। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। इसके बाद आप लोग अपने अपने कमरों में जा सकते हैं। सर आपको क्या लगता है? बहुत कुछ और कुछ भी नहीं। मैं कुछ समझा नहीं सर। नेवर माइंड। सर मैं डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा के आता हूं। ओके शिंदे सर। सबसे लॉबी में रुकने को कहा गया। मैं वो दवाई लेने आई थी। मुझे मालूम है आप कौन सी दवाई लेने आई थी। आपकी किस्मत अच्छी है क्योंकि इस वक्त हम किसी और की तलाश में हैं। टेक अ फ्री एडवाइस मैडम, नशा छोड़ने की कोशिश करो। ट्राई योगा, इट विल हेल्प यू। नाउ गो डाउन। हम
सर इस लड़की पर नजर रखना। आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस वक्त आपको तो नीचे लॉबी में होना चाहिए था। मैं आपके पास आ रही थी, जहाँ से जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? इस केस के बारे में। क्या जानती हैं आप इस केस के बाबत? कुछ नहीं, कुछ नहीं जानती, बस आत्माओं से संबंध है सीधा। आपके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग, मेरे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग, लेकिन दोनों मिल जाएंगे तो खूनी तक आसानी तक पहुंचेंगे। कैसे? मैं कुकरेजा की आत्मा को बुलाती हूँ, बहुत आसान होगा। अभी बस आसपास आसपास है, आइए। कहाँ? मेरे कमरे में। आप अपने कमरे में चलिए, मैं भी आ रहा हूँ।